ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस साल कार्तिक मास में आने वाली रमा एकादशी 28 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस व्रत से पापों से मुक्ति मिलती है और श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं रमा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। इस साल रमा एकादशी का प्रारंभ 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 5:23 पर होगा और इसका समापन 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर। उदया तिथि के अनुसार व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 पर से 10:31 तक है। रमा एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माना जाता है कि इस दिन की पूजा से पापों से मुक्ति मिलती है और धन की कमी दूर होती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त इस व्रत को बड़ी श्रद्धा से करते हैं। आइए अब जानते हैं कि रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा कैसे की जाती है। यह पूजा की विधि सरल है लेकिन आस्था से भरी होनी चाहिए। सबसे पहले प्रातःकाल में उठें और स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनें। दूसरा, मंदिर की साफ सफाई करें और एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। तीसरा, दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की मूर्ति का गंगा जल से अभिषेक करें। चौथा, श्री हरि को पुष्प, फल और तुलसी दल अर्पित करें। पांचवा, व्रत का संकल्प लें और अंत में आरती करें। पूरे मन और विश्वास से पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करके पूजा का समापन करें। शास्त्रीय वर्णन है कि पूरे वर्ष भर में जितनी भी एकादशी आती हैं, उन सभी एकादशी की तिथियों पर एकादशी कथा और साथ में उसका महात्मा सुनने से जातक सभी पापों से मुक्त होकर श्री हरि का प्रिय हो जाता है। और जो श्री हरि का प्रिय हो जाता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि अपना स्थान बना लेती है। रमा एकादशी की कथा धर्म और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। इस पावन दिन का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एक दिव्य कथा सुनाई थी। आइए जानते हैं इस कथा का रहस्य और रमा एकादशी का पुण्य प्रभाव। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि और फल के बारे में विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी को रमा कहते हैं। यह व्रत बड़े बड़े पापों का नाश करता है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक धर्मात्मा राजा था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। पुत्री चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। एक बार शोभन अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी घोषणा हुई कि राज्य में रमा एकादशी व्रत का पालन होगा। सभी को उपवास रखना अनिवार्य था। शोभन ने चिंता जताई, हे प्रिये, मैं दुर्बल हूं और उपवास नहीं कर पाऊंगा, अब क्या करना चाहिए? चंद्रभागा ने कहा, इस राज में एकादशी को सभी उपवास करते हैं। यदि आप यहां रहना चाहते हैं तो व्रत करना अनिवार्य है। शोभन ने व्रत करने का निश्चय किया, लेकिन वह उपवास की पीड़ा सह न सका और रात्रि में उसके प्राण निकल गए। रमा एकादशी के पुण्य प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक दिव्य नगर प्राप्त हुआ, लेकिन यह नगर अस्थिर था। एक दिन राजा के नगर का एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के दौरान मंदराचल पहुंचा और उसने शोभन को पहचान लिया। ब्राह्मण ने यह समाचार चंद्रभागा को सुनाया। उसने वामदेव राशि के आश्रम में जाकर उनके आशीर्वाद से दिव्य स्वरूप प्राप्त किया और अपने पति के नगर में पहुंची। वहां पति पत्नी ने एक दूसरे का स्वागत किया और चंद्रभागा ने अपने व्रतों का पुण्य शोभन को अर्पित किया, जिससे उनका नगर स्थिर हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। इस कथा का संदेश है कि श्रद्धा और भक्ति से किए गए व्रत हमारे जीवन में स्थायी सुख और शांति लाते हैं। अगर यह कथा आपको एकादशी व्रत की प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धर्म, अध्यात्म और जीवन की दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।